हम जितनी तेजी से डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक उतनी ही तेजी से साइबर अपराध की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। जिस गति से तकनीक ने उन्नति की है, उसी गति से मनुष्य की इंटरनेट पर निर्भरता भी बढ़ी है। आज के समय में हर वो चीज जिसके विषय में इंसान सोच सकता है, उस तक उसकी पहुंच इंटरनेट के माध्यम से हो सकती है, जैसे कि सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन शॉपिंग, डेटा स्टोर करना, गेमिंग, ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन जॉब इत्यादि। आज के समय में इंटरनेट का उपयोग लगभग हर क्षेत्र में किया जाता है। इंटरनेट के विकास और इसके संबंधित लाभों के साथ साइबर अपराधों में भी बढ़ोतरी हुई है। वैसे अधिकतर सोशल नेटवर्किंग साइट्स के सर्वर विदेश में हैं, इसलिए भारत में साइबर अपराध घटित होने के स्थिति में इनकी जड़ तक पहुंच पाना कठिन होता है। लेकिन साइबर अपराधों के मामले में भारत भी उन देशों से पीछे नहीं है, जहां साइबर अपराधों की घटना की दर भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। साइबर अपराध के मामलों में एक साइबर अपराधी किसी उपकरण का उपयोग, उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी, गोपनीय व्यावसायिक जानकारी, सरकारी जानकारी या किसी डिवाइस का इस्तेमाल गलत तरीके से कर सकता है। साइबर अपराध, जिसे इलेक्ट्रॉनिक अपराध के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी भी अपराध को करने के लिए कंप्यूटर, नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क का उपयोग एक वस्तु या उपकरण के रूप में किया जाता है। ऐसे अपराध में साइबर जबरन वसूली, पहचान की चोरी, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, कंप्यूटर से व्यक्तिगत डेटा हैक करना, फिशिंग, अवैध डाउनलोडिंग, साइबर स्टॉकिंग, वायरस प्रसार सहित कई प्रकार की गतिविधियां शामिल हैं। विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लोग अपनी व्यक्तिगत जानकारियां साझा करते हैं, जिसे हैकर्स इन सोशल नेटवर्किंग अकाउंट्स को आसानी से हैक कर लेते हैं और फिर प्राप्त सूचना का दुरुपयोग करते हैं और फिर लोगों को सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हैकर्स ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज अपराध की दुनिया में साइबर अपराध सबसे ऊपर की श्रेणी में अपना स्थान बना रहा है। राजधानी दिल्ली में ऑनलाइन अपराध में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, खासतौर से सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल महिलाओं के साथ अपराध की घटनाओं में करीब 15% तक इजाफा देखा गया है। इसमें सोशल नेटवर्किंग साइट पर स्टॉकिंग और फोटो का अश्लील साइट्स पर इस्तेमाल करने की घटनाएं बढ़ रही हैं। वहीं दिन प्रतिदिन बढ़ रहे साइबर क्राइम से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए हरियाणा के हर जिले में साइबर रेस्पॉन्स सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, तो वहीं देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए 16 नए साइबर अपराध थाने बनाए गए हैं। इससे पहले प्रदेश में लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में 2 साइबर अपराध थाने थे। इस प्रकार से अब प्रदेश में कुल 18 साइबर अपराध थाने हो गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल में साइबर अपराध में ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान।